और देखो पीछे बेल बन रही है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। देखो जेसीबी लगी हुई है, मेरी जेसीबी है, मेरे पास जो मोड था मैंने यहाँ पर भेज दिया। मैंने कहा भाई जल्दी से काम खत्म करो, मुझे वो मोड वापस करो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2। मेरे मुंह से फार्मिंग सिमुलेटर निकलने लगा था। तो चलो यार इसका शुरू करते हैं जल्दी से, और कई दिन से नहीं खेली तो मैं आज इसमें आपको दिखाता हूं कुछ। आज माल लोड करेंगे, कुछ लेके जाएंगे, कोई अच्छा सा सामान, कोई हैवी लोड। तो आज मैंने पिछली बार आपको बताया था मैंने इसके अंदर कई सारे मोड लगाए थे हैवी लोड के, तो आज देखते हैं उन हैवी लोड के अंदर हमें क्या क्या माल मिलता है डिलीवरी के लिए। तो आज करेंगे कुछ अच्छा सा डिलीवर। तो चलिए शुरू करते हैं यार वीडियो जल्दी से, देर किस बात की, चल भी आ जा इंट्रो। वेलकम बैक दोस्तों। तो यार इसमें दो तरीके हैं माल ले जाने के, यानी कि सामान ले जाने के। एक तो है जॉब मार्केट, तो ये होती है अभी क्विक जॉब। इसके अंदर आपको आप अपना ट्रक लेके नहीं जाते हो, दूसरों का ट्रक मिलते हैं आपको, यानी कि आपको जो मालिक होता है वो ट्रक देता है। और एक होता है भाई अपना ट्रक, तो ये है अपने ट्रक की जॉब। तो हमें ये सामान ले जाना है इतना हैवी हैवी, तो आप इसमें ऊपर सर्च करोगे कार्गो वेट, तो वेट के हिसाब से आएगा। तो भाई मैं इसमें चुनूंगा कोई अच्छा सा जो मुझे आज छोड़ना है अपने मनपसंद। अब देखो ट्रैक्टर भी छोड़ सकते हैं हम, और ये एक ट्रेलर है, सॉरी ट्रक है बहुत बड़ा जो माइनिंग के काम आता है, माइनिंग से पत्थर उठाता है, और बुलडोज़र भी है, और ये भी एक बुलडोज़र है। तो लेकिन हम छोड़ेंगे भाई ये। तो ग्रीमी टैट्रॉन, ये भाई आलू काटने का हार्वेस्टर ग्रीमी टैट्रॉन 415, ये 28 टन इसका भार है। और ये सारा कुछ इसको, ये नाजुक भी है भाई ये, और फ्रेजल यानी कि बहुत नाजुक है, और ये अर्जेंट भी है, और ये हैवी भी है, और भाई ये हाई वैल्यू कार्गो भी है, यानी कि बहुत कीमती सामान है भाई। तो अब दिक्कत ये है कि मैं हूँ जर्मनी के अंदर और ये है पोलैंड के अंदर, इसको ले जाना है पोलैंड से लुथेनिया। तो मैं इतनी अगर जर्मनी से मैं यहाँ जाऊँगा तो भाई मेरे को तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो मैं एक काम करूँगा, वापस जाऊँगा क्विक जॉब के अंदर और भाई यहाँ पर जाके सर्च करूँगा ग्रिमी। तो आपको नाम पता होना चाहिए, तो ये आ गया भाई ग्रिमी टैट्रॉन। ये सेम वही वाला काम है, वही जॉब है जो मुझे करनी है पोलैंड से लुथेनिया। तो बस मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा दो बार और ये जॉब मुझे मिल गई। लो भाई आ गया मैं, देखा बिना जर्मनी से बिना पोलैंड आए मुझे ये जॉब मिल गई। ऐसे आप जॉब ले सकते हो, अपना ट्रक चलाओ या किराए पे, यानी कि आप सिर्फ ड्राइवर हो, आपको ट्रक वगैरह सब कंपनी देगी। तो एक बार देख लेते जरा इसको बाहर से, तो आज छोड़ना भाई इसको। ये देखो तो ये है भाई आलू काटने की मशीन। अच्छा एक बार भाई इसको हटा दो जरा, तो हार्वेस्टर है भाई। और ट्रक हमें मिला है आज कौन सा है, ये मर्सिडीज़ का भाई, मर्सिडीज़ बेंज का ट्रक है। देखो बहुत ही शानदार 416 1463, वाह भाई। और ये इसका नंबर हो गया और ये पीछे अपना हो गया, और व्यू इसका पीछे से नहीं आता। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से भी नहीं आ रहा। अरे यार किधर से तो आ जाए, तो व्यू नहीं आ रहा भाई, व्यू इतना ही आ रहा बस इसका। तो चलो यार इसको छोड़ेंगे जल्दी से और ये करते ट्रक को स्टार्ट और देखते हैं इसका हॉर्न। अरे हॉर्न कहाँ से बजता था, ओ वाह भाई वाह ट्रक तो बढ़िया है। तो चलाते हैं इसको अंदर से, देखते हैं जरा अंदर से ट्रक वगैरह, और ये GPS भी लगा हुआ है इसके अंदर। चलो फिर देर किस बात की, खींच लेंगे इसको जरा। तो पहले जरा साइड में देख लेंगे भाई टक्कर ना लग जाए। आ जा भाई आ जा। तो ये आ गया अभी अपना हीरो, ट्रक लेके जाएगा और ये इधर से नहीं इधर से काटेंगे। चलो अभी चलाएंगे अंदर से जरा, पहले मैं बाहर से देख लूँ। भाई बहुत ही ट्रैफिक आ रहा है, देखो मैंने हैवी लोड के जो मोड लगाए हैं वो देखो, गाड़ी ये नया मोड है देखो गाड़ियों का, क्या शानदार गाड़ी लेके जा रहा है। और ये सब हैवी मोड है। चलो कारें आ रही हैं, कारों को छोड़ देंगे पीछे, अब निकालते हैं इसको बाहर। हट जाओ भाई, रुक जाओ। अबे रुक जाओ भाई रुक जाओ, मुझे भी जाने दो, मैं भी इस लाइन में लगाऊँ। तो चलाते हैं भाई इसको अंदर से जरा और एक नंबर दबा देंगे। ओहो ओके, और भाई ये शीशा लगा लूँगा साइड वाला ताकि मुझे साइड से भी नज़र आता रहे। तो अब चलते हैं भाई सीधा सीधा, इसको छोड़ना भाई 500-600 किलोमीटर पे। अभी ग्रीन लाइट है भाई, क्यों रुक गए तुम सारे? अबे यार ये बड़े बहुत ही कानून के पाबंद हैं बाहर के लोग भाई, जरा सी लाइन वाइट जो ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है उसके ऊपर जरा सा भी अपना टायर भी टच नहीं होने देते, क्योंकि बाहर की पुलिस बहुत जल्दी चलान काट देती है। ये बहुत ही सख्त है भाई बाहर के कानून। तो अब जाना भाई इधर, फटाफट से इंडिकेटर देते हैं और चल भाई चल चल, इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा मेरे को, देख लूँगा जरा बाहर से। ओ भाई क्या यार,
इतने बढ़िया कलर ग्राफिक आ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा भाई चला के। काफ़ी दिनों बाद खेल रहा हूँ यार, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे भाइयों की, तो मैंने कहा चलो यार आज छोड़ते हैं कुछ अच्छा सा सामान, और आज मुझे मिल ही गया आखिर ये। अरे यार एक मिनट, अरे यार ये कौन सा व्यू दब गया, सॉरी भाई गलत बटन दब गया था। ओ भाई इधर चल, इधर चल। तो ये हो गया भाई आलू का हार्वेस्टर, देखो ग्रीमी टैटर्न आपने देखे होंगे, मैं इसे शुगर बीट और आलू काटता हूँ। थोड़ा वो मॉडिफाई वर्जन है, मॉडिफाई करा हुआ है मैंने, लेकिन ये ओरिजिनल वर्जन है भाई। ये देखो ये 3 मीटर का आगे से, और जो हम काटते हैं जिससे वो ज़्यादा बड़ा है। तो चलो इसको लगाते हैं साइड में, हमें जाना है सीधे ही। ओ, ओ, ओ। हट जाओ भाई हट जाओ। तो भाई आलू काटने के अलग आता है, और आलू काटने का और दूसरा आपका शुगर बीट का, ओनियन का, सब अलग अलग है, हेडर शायद अलग होते हैं, हार्वेस्टर एक ही होता है। तो भगाते हैं भाई इसको, हमारी तो कोई लिमिट नहीं है, एक बार F3 कर लूँगा मैं ऐसे, ताकि मुझे अंदर से भी नज़र आता रहे भाई। बाहर से देखने में ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे देखने में अच्छा लगता है। इसमें हमारे किलोमीटर स्पीड नज़र आती है, और वैसे तो स्पीड सामने स्पीडोमीटर में भी है, तो इससे यकीन ये पता चल जाता है कि कितने किलोमीटर बचा अभी हमारा। तो इसको लेके चलते हैं, देखो बड़े प्यारे प्यारे खेत हैं बाहर, और देखो सीधे हाथ पे फार्मिंग हो रखी है। और ओह भाई मुझे यहाँ से मोड़ना है, तो एक बार काट लूँगा। तो मैं खेल रहा हूँ भाई अभी तक कीबोर्ड से, ओ भाई आराम से काटूँगा भाई, नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपनी वाले मेरे को बंद करवा देंगे जेल में। तो एक बार आपको दिखाता हूँ बाहर से नज़ारा, देखो यार कितना प्यारा प्यारा। तो देखो पीछे फील्ड है, वो देखो किसी ने अभी वीट काटी है और बेल बना रहा भाई, बेल बनाएगा अभी, उसने स्ट्रॉ रखी हुई है। ओ भाई कितने अच्छे अच्छे फूल लगे, रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, अब हार्वेस्टर छोड़ो स्टार भाई। चलो भाई इसको छोड़ देंगे आज जल्दी से, फटाफट चलते हैं इसको लेके, धूप खिली हुई है, मौसम बहुत ही बढ़िया है, और 3:47 हो रहे हैं दोपहर के, तो हमारा 8 घंटे का पहुंचने का टाइम है। और देखो वो भाई प्लो कर रहा है, वो देखो प्लो लगा रखा उसने भाई ने 3 मीटर का, वो देखो हरे रंग का ट्रैक्टर फेंडेड का। और ये पुल आ गया मेरे मुंह के अंदर घुसने वाला, और ये मैं पुल के अंदर घुस गया। ओ यार टोल ब्रिज आ गया भाई, ओ सॉरी टोल टैक्स आ गया भाई, टोल टैक्स। यार ये टोल टैक्स क्यों बनाती हैं, इतना गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं है यार कि रोड बना सके, इतना टैक्स लेते हैं ड्राइवरों को, मार देते हैं जान से यार, हद है भाई इनकी तो। तो चलो यहाँ पे रोकते हैं आराम से भाई, लो भाई करते हैं एंटर, खोलो यार दरवाज़ा, की चक्कर है तो अड्डा है वो, तुम पहले लेंदे लेंदे दरवाज़ा खोल देने तो हड्डी ऐसी की तैसी। चलो भाई, तो हाँ ये जो अभी एक मिनट, ये जो मोड का आ रहा था ये मोड, अरे यार इधर चलो, तो भाई आराम से ठोक ना दियो। तो ये जो, चलो गाड़ी ठोक दी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मोड में कह रहा था, ये देखो कारों का ये नया मोड आया भाई, पहले आपने देखी होंगी एक जैसी कारें लाल पीली, लेकिन ये नया मोड है। चलो भगाते हैं इसको, इस गेम के अंदर यार क्रूज़ मोड नहीं है, जैसे कि 3 दबा देते, जैसे फार्मिंग सिमुलेटर में है क्रूज़ मोड, 3 दबा दो तो भाई पीछे कुछ आता नहीं था, ठीक है तो वैसे होना चाहिए था, ताकि फटाफट से हमें बार बार, क्योंकि इसमें उंगली दुखने लग जाती है भाई, ये एरो की को दबा के रखना पड़ता है। तो क्रूज़ मोड होता तो भाई उस बटन को दबा देते और सिर्फ हम लेफ्ट राइट करते रहते तो आप पहुंच जाते। तो चलो यार कोई बात नहीं, और ये देखो लाल गाड़ी वाले को कितनी जल्दी हो रही है, देखो बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास गाड़ी है तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत सारी गाड़ी हैं, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, मुझे ज़रा ट्रक में माल छोड़ने जाना है, बाद में तुझे बताऊँगा बेटा, आइयो मेरे सामने, आइयो मेरे सामने। मैंने नई BMW खरीदी है, मैं उसके साथ तेरी रेस लगाऊंगा, तुझे हरा दूंगा, देखियो भाई 500 की स्पीड है उसकी, नहीं 500 की नहीं है भाई, 300 की है शायद। तो चलो यार माल छोड़ना जल्दी से इसको अपना, एक अभी आपको दिखाता हूँ नज़ारा बहुत ही प्यारा प्यारा, ये देखो ये है ना नज़ारा बढ़िया सा, ये देखो ये ट्रक ऐसे चलता भाई, ये देखो ये जा रहा, अब आया भाई पूरा व्यू। एक मिनट इसको हटा दूँ, हाँ इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, अब आया भाई देखो सही, देखो जा रहा रोड पे चौड़ा हो गया, हट जाओ भाई कोई सामने नहीं आएगा, ये देख रहे हो कैमरा क्या शानदार है। तो ये है भाई आलू काटने का हार्वेस्टर, आज मुझे इसकी डिलीवरी करनी है जल्दी से, अब चलाते हैं यार अंदर से, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा तो फिर फाइट पलट भी सकता है ये।
अगर ये पलट गया तो मेरे ऊपर बहुत सारा केस हो जाएगा, चलान हो जाएगा मेरा बहुत तगड़ा। जितने पैसे कमाने नहीं है उससे ज़्यादा तो मेरे ठुक जाएंगे। तो चलते हैं इसको फटाफट से भगाते हैं। तो मैंने कई दिन पहले मेरा जब ग्राफिक कार्ड 1080 Ti ख़राब हो गया था, तो मैंने इस गेम को 750 Ti पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी। पूरा गेम प्ले मैंने वीडियो बना लिया था, बहुत बढ़िया, और अच्छी सारी कमेंट्री भी करी थी, बहुत अच्छी अच्छी। लेकिन क्या हुआ था कि वो लैगिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं अब वो OBS जो मेरा रिकॉर्डर है उसकी प्रॉब्लम थी या गेम की कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे समझ नहीं आया, इसलिए फिर मैंने वो वीडियो डाला नहीं। उसके बाद से मैंने ये गेम खेली नहीं जब से मेरा ग्राफिक कार्ड ख़राब हुआ था, मतलब उससे पहले खेली थी। तो ग्राफिक कार्ड आने के बाद अब मैं इस गेम को पहली बार खेल रहा हूँ। अरे यार एक और टोल टैक्स यार, ये जो मेरे सामने जा रही है ना, पता कौन सी गाड़ी है ये? इंडिका V2 मेरे पास थी, ये ऐसा ही सेम मॉडल था सिल्वर कलर का, लेकिन मैंने भेज दिया, मुझे लगता है वही वाली गाड़ी है, इस बंदे ने ना कलर करवा लिया, लेकिन मुझे इसका अभी नंबर नज़र नहीं आ रहा, शायद नंबर वही हो। तो हो सकता है वो जिसने मैंने जिसको बेची थी भाई, उसने किसी यूरोप वाले बंदे को भेज दिया, वो वहाँ यहाँ पहुँच गया। और भाई इस ट्रक की ब्रेक तो बड़ी घास हुआ यार, मैंने जरा सा बटन दबाया, देखो यार क्या, और 6 pounds कटेंगे। अबे काट लो ना भूखे नंगो, तुम्हारा पेट कभी भरने वाला है कि नहीं मुझे बता दो। चलो यार एक काम ये करते हैं कि अबे यार कौन सा वो दबा दिया, इधर चलना, हाँ आ जा। तो ये है भाई देखो, है ना ज़बरदस्त। तो ऐसे ऐसे माल की भाई, क्योंकि ये जो हार्वेस्टर है ना, खुद तो चल के जा नहीं सकते बेचारे, ये इनकी स्पीड सिर्फ 40 की है। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ना चल के खुद, तो ये पहुंचेंगे 2 महीने के अंदर। इसलिए हमारे ऐसे ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ती है दुनिया को, लोगों को मतलब कि माल छोड़ने के लिए। तो सारे ही दुनिया भर, जितने भी दुनिया भर के ड्राइवर हैं भाई जो ऐसे काम करते हैं, उनको मेरा भाई, उन सभी भाइयों को, ड्राइवर भाइयों को दिल से सलाम है। कितनी मेहनत करते हैं, अपनी परिवार से दूर रहते हैं, अपने बच्चों से कितने दिन मिलते नहीं, अपने माता पिता को नहीं देख पाते, और भाई कई बार भूखे भी सोना पड़ता है, कई बार कैसे दिन काटने पड़ते हैं भाई। तो कौन कौन सी जगह में जाते हैं, अब कई बार हिंदी नहीं आ रही तो दूसरे देश में, दूसरे राज्य में गए। अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर ही कई, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, चले गए तो भाई नहीं समझ आती भाषा, तो बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर भी। तो कैसी कैसी मुसीबतें झेल के भाई अपने ड्राइवर भाई अपने घर को पालते हैं, मतलब अपने घर को परिवार को पालते हैं। तो भाई उन सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा दिल से सलाम। अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी, मैंने ट्रक बंद कर दिया। ठीक है भाई, ओके, तो चलते हैं फिर इसको लेके, और मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा कट, तो फिर मिलूँगा आपको एंड में जब मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे भगाना भाई इसको स्पीड पे, और मेरे को यहाँ से मुड़ना था इधर को, और मैं जाऊँ सीधा। वाह भाई वाह, क्या ड्राइवर हूँ यार मैं, तो मैं ड्राइविंग सही सी करूँगा। देखो बढ़िया है, क्या काटा भाई मैंने, ये कट मार दिया भाई बहुत बढ़िया। देखो पीछे से ऐसे व्यू आता है इसका, ओए क्या कर दिया, व्यू के चक्कर में यार ये गाड़ी ठुक जाती, ट्रक ठुक जाता मेरा। तो इसका ना व्यू पीछे से पता नहीं आना तो चाहिए था, लेकिन पूरा नहीं आ पाता यार, इतना ही आता बस। देखो और ये देखो पीली गाड़ी वाले को, तो इसकी स्पीड नहीं बन पा रही, मैंने काफ़ी मजाकबाजी हो गई यार, अब करते हैं सीरियस काम, इसको लेके भगाता हूँ मैं। इसकी स्पीड ट्रक की है 120 की, लेकिन मैं इस 120 की सुई को तोड़ दूंगा, देखना अभी मैं इसको भगाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेन रोड ही नहीं आ रहा यार, अभी ये छोटे छुटपुट शहर से आ रहे हैं। अब इसके अंदर गाड़ी भगाऊंगा तो भाई देखो मेरा पुलिस चलान काट देगी, मैंने येलो पे निकाल दी। देखो वो गाड़ी वाला रुक गया, देख ली गाड़ी वाला रुक गया, बहुत समझदार बंदा था, क्योंकि भाई उसको चलान नहीं कटवाना। लेकिन ट्रक ड्राइवरों से भाई कोई पंगा नहीं लेता, पता है कि ट्रक ड्राइवर अगर बिगड़ गए ना एक बार तो भाई जाम कर देंगे हाईवे को, फिर इनका बाप किसी का बाप भी निकला सकता। तो चलो भाई चलते हैं इसको भगाते हैं, स्पीड है 70 की, लेकिन मैं भगा रहा हूँ इसको 80 पे। ठीक है फिर मिलते हैं यार, थोड़ा सा अभी 457 किलोमीटर बचा है। अगर मैंने पूरा आपको दिखाया तो भाई फिर लोग कहेंगे इतना लंबे वीडियो। अब मैंने पिछला वीडियो डाला था फार्म सिम्युलेटर का, जॉन डीयर 9RX की करी थी मैंने टेस्टिंग। एक भाई कह रहा भाई इतना लंबा वीडियो, मैंने कहा भाई इतना लंबा कहाँ है, 30 मिनट का ही तो है देख लो। और कई बार छोटा डालता हूँ तो भाई कहते हैं भाई इतना छोटा वीडियो यार ये क्या है। तो भाई तो मुझे समझ नहीं आती लंबे छोटे, तो मैं बनाता हूँ मीडियम, मतलब 20 से 30 मिनट का, ज़्यादा बड़ा ना हो ना ज़्यादा छोटा हो, तो भाई देखने में मज़ा भी आए, आपका भी टाइम पास हो जाए, मेरा भी भाई कुछ बन जाए, भाई मेरे भी परिवार है, मुझे भी तो अपना परिवार को पालना है कि नहीं। तो चलो यार अब बातों का टाइम नहीं है, और 103 की स्पीड हो चुकी है, मैं इसको 103 पे लेके भागता हूँ जल्दी से, और पहुँचता हूँ फैक्ट्री के पास, जहाँ पर इसको डिलीवर करना है, फिर मिलेंगे उसके पास पहुँच के। जब 50-100 किलोमीटर रह जाएगी हम मिलेंगे, अब तब
नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गप्पे हो जाएंगी, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और देखो पीछे बेल बन रही हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। देखो जेसीबी लगी हुई है, मेरी जेसीबी है, मेरे पास जो मोड था मैंने यहाँ पर भेज दिया। मैंने कहा भाई जल्दी से काम ख़त्म करो, मुझे वो मोड वापस करो भाई, मुझे उससे टोचन भी करवाना है। चलो भाई ओके, फिर मिलते हैं जल्दी से। लो भाई शाम का समय हो गया और देखो यार लाइटें वाइट जल गई और फायर ब्रिगेड खड़ी है। पता नहीं भाई क्या चक्कर है, पुलिस पुलिस भी आई हुई है, पीछे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी यार। लगता है किसी की गाड़ी में आग लग गई, शायद एक्सीडेंट हो गया। तो हो जाते हैं भाई, हाईवे है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ टकरा जाती हैं, कई बार गाड़ियों में आग लग जाती है। और अपना ट्रक जा रहा है भागता हुआ, देखो मैंने लाइट जगा के हाई कर दी, हाई बीम पर चला रहा हूँ मैं। और भाई मैं 100 पूरी मैंने कोशिश करी थी इसको भगाने की 120 से ऊपर, लेकिन यार इसने 120 को टच ही नहीं किया, क्योंकि जो हार्वेस्टर है उसका वेट बहुत ही ज़्यादा है और मैं इसको 120 पे टपा नहीं सका, टच नहीं कर सका भाई। 105-6-7 पे पहुंचा था, शायद अभी कहीं पर ढलान नहीं है ज़्यादा, कोई ढलान वगैरह आएगी तो शायद ये भाग जाए 120 पे चला जाए, लेकिन भाई इसको 120 पे पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ट्रक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, धांसू है, लेकिन भाई वजन भी तो है ना इतना, 28 टन का। तो चलो यार देखता हूँ, बस 100 किलोमीटर भी नहीं, लो अब तो 83 किलोमीटर बचा है सिर्फ, 83। और देखो सूरज महाराज, देखो आपको दिखाते हैं एक बार इधर से, अरे यार ये दरअसल नज़र नहीं आया। ओ सूरज महाराज अपनी चादर देखो ओढ़े जा रहे हैं अब, और सूरज महाराज ने कंबल ले लिया अपने ऊपर और वो अपना मुँह छुपाने जा रहे हैं, हमसे छुप रहे हैं वो। तो फिर निकलेगी रात हसीन हसीन, और फिर यूरोप में रात को आपको पता ही है यार, रात को हो जाता है वहाँ पर दिन, क्योंकि बाहर के देशों में आजकल तो हिंदुस्तान में भी लोग रात को सोते नहीं हैं। खैर जब से ये महामारी आई है तब से कुछ कंट्रोल कर लिया लोगों ने अपने आप को, नहीं तो भाई सारी रात मौज मस्ती पार्टियाँ शार्टियाँ। तो भाई एक टाइम होता है ना, तो उस टाइम तक करा करो बस, उसके बाद फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो काम ख़राब हो जाता है। तो यूरोप में भी ऐसी है भाई, डिस्को हैं, ये है वो है, लोग निकलते हैं रातों को। ओ भाई ये क्या हो गया, अच्छा रहा रास्ता बंद, हट जाओ ए, ओ ससरी के नज़र नारा तिरने हैं, नज़र नारा इतना बड़ा हार्वेस्टर जा रहा और बीच में गाड़ी लेके घूम रहा। अभी एक टक्कर पड़ गई तो कहेगा ड्राइवर ने ठोक दिया और हमें जाना था। भाई देखो रास्ते ख़तरनाक हैं बहुत ही, अपने मैप के ऊपर नज़र रखेंगे, बिल्कुल पैनी नज़र एकदम बाज की तरह, ताकि भाई हम एक बार भी गलत रूट ले लिया तो भाई 500 किलोमीटर का चक्कर मार के आना पड़ेगा। और ये देखो हाउसिंग कॉलोनी सीधे हाथ पे देख रहे हो, मैंने पिछली बार आया था ओह, तो मैंने एक प्लॉट देखा था यहाँ पे, मैंने ये बना दिया है। तो अब मैं इसको किराए पे चढ़ा के और भाई किराया खाने वाला हूँ तगड़ा सा, क्योंकि यार आजकल सबसे अच्छा बिजनेस है, मकान ले लो किराए पे चढ़ा दो और भाई किराया खाओ आराम से, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे जैसे यहाँ ड्राइवर देखो बेचारे दिन रात काम कर करके मैं बना बना के वीडियो पागल हुआ जा रहा हूँ। तो यार यही काम सबसे बढ़िया है, लेकिन भाई मकान खरीदने के लिए पैसे भी तो नहीं चाहिए आजकल, मकान आपको पता ही है प्रॉपर्टी वगैरह कहाँ पहुँच गई, बहुत मुश्किल हो गया भाई आजकल जीना। तो चलो पोल आ गया, एक अच्छा सा निकाल लेंगे, नीचे कट मारेंगे। 111-112 पे पहुँच गया भाई इस बार, तो लगता है ये रोड ढलान वाला है। देखो 120 टच नहीं कर रहा यार, अगर कर गया तो भाई मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का, देखते हैं। हट जा भाई हट जा, योना आटे भाई योना आटे, साइड से ले लो, इधर से ले लो। और ये क्या जा रहा भाई, लो भाई अपनी जगह आ गई, वो 6 किलोमीटर रह गया, ओए मैंने तो देखा ही नहीं भाई, ओए 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 इधर मुड़ना था, इधर मुड़ना था। ओ भाई पीछे वाले टक्कर मत मार दियो, ओ भाई बातों ही बातों, मैंने तो देखा ही नहीं। चिक 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 इंडिकेटर, इंडिकेटर के भाई देखो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, इस इंडिकेटर को कर दे बंद, इंडिकेटर चुक चुक, इंडिकेटर की आवाज़ देखो क्या बढ़िया थी यार। चलो यार बाहर से चलाते हैं थोड़ा सा, ऐसे भी चलाना चाहिए थोड़ा सा। और मुझे अभी जाना है सीधे ही, और इंडिकेटर दे दूंगा मैं इधर वाला, क्योंकि मुझे मुड़ना है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 पत्ती होगी भाई अपनी, इधर को मुड़ना है, चलो काट देंगे भाई। ओए 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 नज़र नहीं आ रहा तुझे, नज़र नहीं आ रहा भाई, मैंने बोला ना रात हो गई, अब यहाँ पे लोग मस्त होकर चलेंगे तो हमें बच के चलना पड़ेगा, बच के ध्यान से आराम से भाई आराम से, इसको ठोकना नहीं है नहीं तो भाई मेरे पैसे कट जाएंगे। अरे यार इसको काटना भी आसान नहीं है भाई, बहुत लंबा है ये। चलो
अब इसको बंद कर देते हैं यार, अब तो हम पहुँच ही गए, मुझे पता ही अब किधर जाना है। मतलब पता नहीं है, मुझे अंदर से देखना पड़ेगा किधर जाना है। देखो तो सीधे जाना है अगले गोल चक्कर से, वहाँ को मुड़ना। ओके चलो मुड़ जाएंगे यार, आ जा मुंडे, आ जा शावर। बहुत बढ़िया काम किया भाई, बहुत बढ़िया काम किया। आखिरकार हार्वेस्टर लेके हम पहुँच ही गए। नीली गाड़ी वाला आया, ये रुकेगा नहीं, रुक गया। नहीं, जल्दी हो रही सब, नहीं सबको पता नहीं कहाँ जाना है। देख ये वो देख, क्या चला कैसे रहा है, अभी पटरी पे चढ़ाने वाला था। अबे कौन सी कंपनी है भाई इसकी, अभी देखता हूँ भाई, अंदर से देखना पड़ेगा। एक मिनट भाई देख लो जरा, सीधे जाके भाई राइट होना। ओके इंडिकेटर लगा देंगे फिर, बढ़िया वाला इंडिकेटर के भाई देखो, चुक 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 चुक, अच्छा लग रहा है भाई सुनने में, अच्छा सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है भाई, बढ़िया सा लग रहा है भाई। रोक दे, बत्ती हो गई, आगे कर लूँगा थोड़ा सा। ले भाई भाई बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है, देखो रात हो गई है लेकिन अब अंधेरा सा छाने लगा, ऐसे कर लेंगे भाई रोशनी सी। ओके भाई होगी, चलो उस गाड़ी वाले को देख लेंगे, वो ना आ जाए इधर को। तो इसको काटने के लिए थोड़ा सा दूर ले जाना पड़ता है, इतना दूर भी नहीं कि खंभे में घुसेड़ दो। अच्छा तो मेरे सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे सॉरी लेफ्ट पे वो सामने एक गैराज है, तो गैराज को हम खरीद सकते हैं, ताकि यहाँ बहुत सारी कंपनी है ना, इनका माल हमें, इनका कोई सामान छोड़ना हो कोई भी, तो हमें फटाफट से आसानी रहे, ताकि हमें बार बार, क्योंकि जर्मनी में है मेरा हेडक्वार्टर, तो मुझे जर्मनी से बार बार वापस ना आना पड़े। तो यहाँ पे जाना भाई, एक मिनट। ओके भाई यही कंपनी है, इसी में घुसेड़ना, इसी में लेके जाना। बंदा खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड बिना बंदूक के। हाँ भाई ले भी, तेरा माल आ गया। चलो अब इसको उतार के भाग जाते हैं फटाफट से, आज मैं डिलीवरी ऐसे ही कर दूँगा। ओके आज मैं कर दूँगा 0, सॉरी भाई मुझे आज जल्दी है। लो भाई हमने पहुँचा दिया 553 किलोमीटर, इतने पैसे मिले, इतना ये मिल गया। टोटल हमें पैसे मिले, अबे टोटल पैसे कहाँ हैं, ये मिले भाई £25,000, 99 यार। तो डिवाइन चैंपियन बन गया हूँ मैं, मेरा इतना लेवल हो गया है 2,70,957। चलो ओके बहुत बढ़िया। तो अभी मैं करने वाला हूँ ड्राइव। ओ यार लेकिन अब मैं अगर ड्राइव करूँगा तो मैं अपने ट्रक में पहुँच जाऊँगा। तो मुझे उस गैरेज को ख़रीदना था पहले, तो गलती कर दी मैंने, क्या करना था कि पहले मैं उस गैरेज के ऊपर जाता और वहाँ पे ना ट्रक खड़ा करके उसको ख़रीद लेता, ये गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। चलो भाई ये तो आज का गेम प्ले वीडियो, मेरा ट्रक तो यार जर्मनी में के अंदर ही खड़ा है। तो चलो भाई माल छोड़ दिया आज हमने आलू हार्वेस्टर था उसकी डिलीवरी कर दी, ग्रीमी टेट्रॉन पैक की। चलो भाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कैसा लगा आज का गेम प्ले वीडियो जल्दी से बता दो, कमेंट लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे। ओके भाई फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ये देखो मेरे कनाडा के झंडे झूल रहे हैं, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर लग रहा है भाई मेरा। ठीक है भाई दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें, और भाई एकदम मस्त रहिया करो। ओके पाजी, ओके भाई, भाई भरावान सत श्री अकाल, ते भाई बाकियों को राम राम, और जो बाकी बचे भाई उनको मेरा दिल से सलाम। ओके दोस्तों बाय बाय, चल भाई बंद कर दे। ओके भाई ट्रक अपना माल पहुंच गया।